में उन्होंने मोहम्मदाबाद में महाविद्यालय शुरू किया था, तब उस सपने से एक कदम आगे बढ़े थे हम लोग। और उसके बाद आज जब ये विश्वविद्यालय स्थापना आज सच में साकार हुआ है, इस सपने को साकार होने पर आप सब लोग आए, इसका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की आकांक्षा अपेक्षा समाज को रहती है, उस पर हमारा ये विश्वविद्यालय 100% अग्रणी रहेगा उस कार्य को पूर्ण करने में। और उस विशाल व्यक्तित्व को सुनने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पूरा सभागार जो आतुर है, वो समय आ चुका है। मैं प्रार्थना करता हूँ उपाध्याय जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने पधार कर हम सभी को कृतार्थ किया है, धन्य किया है, मैं उनका आह्वान करता हूँ पूरा सदस्य अपेक्षाएं जोरदार तालियों से। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा? तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा? अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा। कारगिल का शहीद दिवस भी है आज, और एक ऐतिहासिक कार्य भी आपके क्षेत्र में हो रहा है। दद्दू जी का सपना एक छोटे से विद्यालय से शुरू करते हुए यहां तक पहुंचना, ये हौसले से ही संभव है। कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तो इनका हौसला था और ईश्वर की कृपा की इनको सुपुत्र और सुपौत्र मिले, जिन्होंने उनके सपने को साकार करने में अपने जीवन को झोंक दिया। इसलिए इस पूरे परिवार को, जिन्होंने माँ सरस्वती के पावन मंदिर का निर्माण इस क्षेत्र में किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ उस लोकार्पण दिवस के अवसर पर, और ये शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। इस देश नहीं विदेशों में भी इस सरस्वती माँ का अलग जगाते रहे, ऐसे विश्वविद्यालय खोलते रहे, क्योंकि आगरा में भी एक शारदा ग्रुप है जो विश्वविद्यालय जिन्होंने खोला है, उन्होंने आगरा, नोएडा और मॉरिशस वगैरह विदेशों में भी हिंदुस्तान का परचम लहराया है। जब भी कोई भारतवासी विदेशों में कोई सेवा देता है तो हर भारतवासी का सम्मान से मस्तक ऊंचा उठता है। तो मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा इस विश्वविद्यालय के जो प्रबंधन में जुड़े हुए लोग हैं, ये आगे भी अपने हौसलों को इसी तरह बढ़ाए रखें और इस हौसलों से शिक्षा का क्षेत्र भी इनका बढ़ता रहे। मित्रों, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जनपद आगरा में आ रहे हैं, प्रोटोकॉल के नाते मुझे उनको अगवानी करनी है, तो मैंने अनुमति मांगी थी अनार सिंह जी से, कुलाधिपति महोदय से, कि अगर आप मुझको जल्दी छोड़ देंगे तो मैं एक दूसरा कर्तव्य भी पूरा कर लूँगा, वरना मैं उस कर्तव्य से वंचित रह जाऊँगा। इन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, मैं खुद पर आभार देना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका पुनः अभिनंदन हो, वो सादर यहाँ पर पधारे। अति व्यस्तता के बावजूद उन्होंने पूरा समय हम लोगों को दे दिया है अपने आशीर्वाद को लेकर के। लोकार्पण के लिए यहाँ पर विद्यालय का एक पत्रक यहाँ पर लिखा था, उन्होंने उसे दिया है, मैं उसे भिक्षा करता हूँ अपने अतिथियों से। बहुत ही स्वागत व धन्यवाद, उसके साथ ही कुलाधिपति जी का भी स्वागत व धन्यवाद, और साथ ही एडीएम साहब का भी, एसडीएम साहब का भी स्वागत व धन्यवाद, और विजय यादव जी भैया और रूपेश जी जिलाध्यक्ष जी और विशाल गुप्ता जी जो बच्चा जी हैं, और साथ ही भूदेव जी, सभी का हृदय से स्वागत व धन्यवाद। और इसके साथ ही जो हमारी जिला में कुछ रिलेटिव भी जाएंगे, अभी हमारे बीच में बहुत ही शीघ्र रूप से पॉलिटेक्निक का इंजीनियर कॉलेज खुलेंगे, और जितने भी कोर्सेज हैं आपको मिला होगा
कहते हैं